अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादिया बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के जनूब में वाक़िया पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा चोलिस्तान तकरीबन 25,000 किलोमीटर पर मुहित है। चोलिस्तान को अहम जुग्राफियाई हैसियत हासिल है जो सिंध के सहराए थर और मशरक में भारत के सहराए राजस्थान तक फैला हुआ है। चोलिस्तान 66 लाख एकड़ रकबे पर मुहित है। 800 साल कबल चोलिस्तान का ये इलाका दरियाए हाकड़ा के पानी से सैराब और सरसब्ज व शादाब होता था, जहाँ खुश साली और वसाइल की अदम फरामी के नतीजे में आज मौत ने साए डाल रखे हैं। सूरज सवा नेजे पर आकर अपने तेवर बदल चुका है और हद नगाह जहाँ तक जाए रेत ही रेत नज़र आती है। मुतासर इलाके के लोग अपने घर बार को छोड़ने पर मजबूर हैं। तरक्की ना होने और पसमानदगी की वजह से इंसान और जानवर तो पहले ही एक घाट से पानी पीने पर मजबूर थे, लेकिन अब खुशसाली और पानी की शदीद किल्लत की वजह से इंसान और जानवर दोनों पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। प्यास की शिद्दत की वजह से रोज़ाना जानवरों की बेशुमार तादाद में अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार रियासत भावलपुर का है और तारीख इस बात की गवाह है। चोलिस्तान के मसाइल पर बात करते हुए आला हुकाम ने बताया कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला पानी का है और चोलिस्तान के सैकड़ों जानवरों की अमवात इसी वजह से हुई हैं। अगर बहावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल की गई होती तो चोलिस्तान के लाखों अफराद को ये दिन ना देखना पड़ता। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले पर रवायती बयानबाजी और सुस्ती की बजाय फौरी इकदामात करे ताकि खुशसाली से बचा जा सके। खुदा न खास्ता किसी भी कोताही की सूरत में अगर खुशसाली कैद साली तक पहुंच गई तो फिर सवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए आर्जी तालाब, वाटर टैंक्स, ट्यूबवेल और कुएं का खातिर ख्वाह इंतज़ाम करे।